लॉकडाउन के बावजूद होटल ब्लू डायमंड में छिपे 65 लोगों के होने की जानकारी मिलने के बाद अब होटल को बंद कर दिया गया है। साथ ही इन सभी लोगों को होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा। इस संक्रमित महामारी के मद्देनजर होटल मालिक द्वारा की गई लापरवाही पर कार्रवाई भी की जाएगी। 5 अप्रैल को NMC को ब्लू डायमंड होटल में कुछ लोग होने की जानकारी मिली थी। यह कुल 65 लोग है, इनमें से कुछ झारखंड से, बिहार से और यूपी, और 5 लोग दिल्ली से है जिनका ओरल टेस्ट किया गया। जो 5 लोग दिल्ली से है उनमें से एक व्यक्ति ड्राई कफ फीवर होने के कारण मेयो में भेजा गया था। फॉलो अप लेने पर पता चला कि अस्पताल के OPD में जनरल मेडिसिन देकर वापस भेज दिया गया। अब उस व्यक्ति को इंदिरा गांधी में शिफ्ट कर कोरोना टेस्ट की जाएगी। बाकी 4 लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा और जो अन्य लोग हैं उन्हें होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा। ये ब्लू डायमंड होटल में हमने 5 तारीख को यहाँ पर देखे, हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, तो उस टाइम हमने 10:30-11 बजे रात को आके हमने यहाँ चेक किए तो हमको यहाँ पर 65 लोग मिले। उस 65 लोगों में से कुछ लोग झारखंड से हैं, कुछ बिहार से, कुछ यूपी से और 5 लोग दिल्ली से हैं जो करंट में आए हैं। तो हमने उन 5 लोगों को अलग से स्पेशली उनको अलग रूम में रखवा है और उनका हमने जो भी ओरली टेस्ट करना था, ओरली एग्जामिनेशन करें, तो उसमें से एक जो शख्स था तो फीवर और कफ में, ड्राई कफ फीवर वगैरह उसको सिम्टम मेरे को दिख रहा था। तो हमने अपने फ़ौरन अधिकारियों को फ़ोन लगाया और फ़ौरन एडमिट कराने के लिए बोला। हमने मेवा में भेजे, मेवा में गए तो वहाँ OPD में भेजने के बाद में OPD में बोले कि नहीं, दवा वगैरह दे दिए, बोले ड्राई कफ और स्मोकर है इसलिए इसको कफ है, वापस कर दिए। फिर हमने कल उसका फॉलोअप किया तो पता चला कि ये अभी इसी होटल में है। तो अभी हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि इसको यहाँ से उठाकर हम शिफ्ट करेंगे और इसका कोरोना का टेस्ट करना है, और जो बाकी के 4 जो दिल्ली के लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन के लिए हम लेके जाएंगे। फिलहाल सभी प्रशासकीय अधिकारी कोरोना महामारी के चलते इसी रोकथाम कार्य में लगी हुई है, जिस वजह से कई अवैध कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन हर तरह से सतर्क है, किंतु इस तरह के मामले और लोगों की लापरवाही कोरोना के आंकड़े बढ़ने का कारण हो सकती है। इसलिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग करें और निर्देशों का पालन करें।